भी निकाय के शिक्षक हैं, इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतन मान, जो आज के दिन में उनका वेतन मान है उसमें दिया जाएगा। अब विशेष शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के, और सरकार के ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलेगी। 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा, 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा, 11 से 12 का आसन। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो है अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं तो 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में आकर क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं उसके बारे में सरकार आलोचना। एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है, और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है, अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाए। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतन मान, जो आज के दिन में उनका वेतन मान है उसमें दिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा, कोई सरकारी संस्था ही इसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी, और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो है अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन। तो यह व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के, और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलेगी। 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा, 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा, 11 से 12 का आसन। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए, और साथ ही साथ इसके बारे में भी महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे, 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके आगे नहीं। ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं होगा। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं, और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय। अभी जो स्थिति है अपने वेतनमान में सरकारी सेवक आज से, सर आज से समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है, और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत
मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है, और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूजमेंट पार्क का है, और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर, लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है, और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है, और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद ने स्वीकृत है मैं आपको कॉपी दूँ। उसी में जो पूर्ण स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनवाड़ी केंद्र को करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136,10,28,28,350 रुपये का व्यय है। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनवाड़ी है सबको अपग्रेड कर दिया है। गया जिले के दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर, तीन महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति दी है। पहला है कि गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे सा शेड निर्माण है, और संरचना मंदिर के लिए अल्टरनेटिव अप्रोच पर है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो अल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के नीचे नदी से जा सकते हैं, इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है, और अल्टरनेटिव अप्रोच पथ। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप तो आप जा सकते हैं। इसमें 61,96,79,000 रुपये में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है बिहार जिले के लिए, तो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था, उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं, और इसका जो पुनरीक्षित प्राकलन है 386,85,00,000 रुपये का जो पुनरीक्षित प्राकलन है उसकी स्वीकृति दी गई। सीतामढ़ी में आपको याद होगा एक रीगा शुगर मिल है जो बंद पड़ा था, और रीगा शुगर मिल जो है वो बहुत अर्सों से बंद है, और बार बार इसको रिवाइव करने का कोशिश राज्य सरकार ने किया है, और ये आज के दिन में एनसीएलटी में भारत सरकार दिल्ली में ये अपील में भी है, और इसका नए प्रमोटर खोजने की प्रक्रिया में। तो इस प्रक्रिया को और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने यह कमिट किया है कि जो किसान किसान का बकाया जो करीब 91,51,30,00,000 रुपये है, सरकार वहन करेगी, और यह भुगतान जब चीनी मिल चालू हो जाएगा के 1 वर्ष बाद किसानों को भुगतान। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो नेशनल रीगा शुगर मिल है उसको चालू करने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है, और किसानों को 51,30,00,000 रुपये का जो बकाया है वो तो मिल चालू होने के बाद भुगतान होगा, ताकि अब इससे कम से कम ये सुविधा होगी, जो नए प्रमोटर तो आएंगे उनको यह सुविधा होगी कि कम से कम कम लागत में अब वो निवेश कर इस मिल को चालू कर सकेंगे। सुग्रवे नदी के बाएं और दाएं तट पर अररिया ननियोटी RWD रोड से 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एवं सुग्रवे नदी के अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर